Good morning student, I am Vanesh Kumar. Today I am dealing the topic that is qualitative research design under the research design. Okay, so let's see the what do you mean by qualitative research design. Qualitative research approach have somewhat short, less well defined term. ठीक है, qualitative research design में हम ऐसा study करते हैं जिसमें हम उस topic का quality measure करते हैं, plus ये थोड़ा deep होता है लेकिन short में हम उसको describe करते हैं. क्लियर है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन. नेक्स्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन. क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं. ठीक है, इमर्ज एज ए स्टडी एडवांस, मतलब ऐसा स्टडी जो टॉपिक लेते हैं जिसमें जो एडवांस टॉपिक पे हो. ठीक है, ऐसा स्टडी लेंगे हम, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक. ठीक है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट. ठीक है, इसलिए हम उसको फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक करेक्टरिस्टिक होना चाहिए. मल्टीपल स्ट्रेटेजिक डाटा कलेक्शन प्लान. ठीक है, डाटा कलेक्शन का जो स्ट्रेटेजी है वो मल्टीपल अलग अलग मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इसमें. ये करेक्टरिस्टिक है इसमें होलिस्टिक, मतलब इसमें बहुत वास्ट होता है और शॉर्ट में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं होलिस्टिक में. इंटेंस ऑफ रिसर्चर इन्वॉल्वमेंट, मतलब डीप इन्वॉल्व रहता है, डिवोटेड रहता है, होना चाहिए रिसर्चर को, तभी हम अच्छे से क्वालिटेटिव रिसर्च कर पाएंगे. एंड ऑन गोइंग डाटा एनालिसिस, जो भी डाटा एनालिसिस कर रहे हैं हम स्ट्रेटजी प्लान करके करेंगे. क्लियर है, तो ये सब जिसमें आएंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में. क्लियर, तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में ये सारे चीज़ें आएंगे. फिनोमोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, इथनो ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राउंड थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल एंड एक्शन रिसर्च. फिनोमोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस एज दे प्रेजेंट द सेल टू कॉन्शियसनेस विदाउट रिसोर्स टू थ्योरी डिडक्शन और एजम्पशन फ्रॉम देयर डिसिप्लिन. ठीक है, फिनोमोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन हम ऐसा डिज़ाइन है जिसको हम जिसे हम पेशेंट का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर अभी स्वाइन फ्लू का कोई है, अभी COVID-19 फैला हुआ है, तो ऐसे पेशेंट उनके रिलेटिव से हम इनसे क्या कैसा फील हो रहा है, उनका साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस अपन नोट डाउन करेंगे और उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे. क्लियर है, और भी एग्जांपल आप डाल सकते हैं. फिनोमोलॉजिकल स्टडी ऑन द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन मध्य प्रदेश. ठीक है, वहाँ जो गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, वहाँ के विक्टिम्स से हम द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, तो वो फिनोमोलॉजिकल रिसर्च में होगा. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल, जब लाइव कुछ होता है वहाँ जाके हम स्टडी कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, उनके कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजिकल क्या अफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें अपन ऑब्जर्व करेंगे. नाउ डाटा कलेक्शन इश्यूज इन फिनोमोलॉजिकल, क्या क्या अब डाटा कलेक्शन के टाइम पे अपन को ध्यान रखना है फिनोमोलॉजिकल रिसर्च में. मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डीप इंटरव्यू, सम टाइम डायरी एंड अदर रिटन मटेरियल. ठीक है, इंटरव्यू लेना है जो दे रहे हैं पेशेंट, ऐसे विक्टिम्स हैं तो उनको हमको इरिटेट नहीं करना है, तो अपन को इंटरव्यू लेना है जो देना चाहते हैं उनसे ही लेना है. यूज़ ऑफ डाटा कलेक्शन, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट से लेना है, एक एक पेशेंट से लेना है अपन को, मेनली क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए. ठीक है, एंड टिपिकली मॉडरेट होना चाहिए. और अपन डाटा रिकॉर्डिंग ऑडियो टेप से भी कर सकते हैं अगर हम नोट नहीं कर पा रहे हैं इंटरव्यू. ठीक है, क्योंकि रिटर्न हम उनसे तो ले नहीं पाएंगे. ठीक है, एंड अपना फीचर्स जो है वो कैसे रखना है, बिल्डिंग रिपोर्ट, इनकरेज, काउंटर, मतलब जब भी हम ले रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स को अपन को समझना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है. ठीक है, और अपन उनसे हिस्ट्री ले सकते हैं और डिस्कशन करना है. ठीक है, और इमोशन को कंट्रोल करना है. ठीक है, तो ये सारे चीज़ें अपन को डाटा कलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना है फिनोमोलॉजिकल रिसर्च. नाउ नेक्स्ट इज अ इथनोग्राफिक रिसर्च. इथनोग्राफिक इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद द फोकस ऑन द कल्चर ऑफ द ग्रुप पीपल विद एन एफर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड व्यू. एंड इथनोग्राफिक स्टडी आर इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ द डाटा अबाउट द कल्चर ग्रुप. ठीक है, इथनोग्राफिक रिसर्च मतलब ऐसा स्टडी जिसमें हम उनके
क्या बिलीव है इस मैटर के बारे में, क्या वो सोचते हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक हम रखेंगे और उसके बारे में उनका क्या सोच है, क्या बिलीव है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एथनोग्राफिक इथो नर्सिंग स्टडी फोकसिंग ऑन द ब्लड डोनेशन बिलीव इन वुमन लिविंग इन रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब. ठीक है, लुधियाना के इस एरिया पे ब्लड डोनेशन में को रूलर की जो वुमन है वो क्या सोच है उनके लिए, ठीक है, उस क्या सोचते हैं, ब्लड डोनेशन सही है या नहीं करना सही है, ठीक है, उनके बारे में ये बिलीव क्या बिलीव है, ये स्टडी हम इसमें किए हैं. ठीक है, इसके अलावा और भी आप डाल सकते हैं, फीमेल फर्टिसाइल, ये सारे टॉपिक के बारे में कर सकते हैं कि क्या नॉलेज है पर्टिकुलर इस एरिया के लोगों का. ठीक है, तो ये सारे चीज़ें को आप लिख सकते हैं. नाउ ग्राउंड थ्योरी. द टर्म ग्राउंड थ्योरी मीन्स दैट द थ्योरी डेवलप ऑन द रिसर्च इन ग्राउंड एज ए रूट ऑफ डाटा फ्रॉम द which has derived. Ground theory has become important research method to study of nursing theory and phenomena relevant to nurses. Ground theory generally nursing के theory में use किया जाता है, जिसमें ऐसा इसमें theory को हम test करते हैं. ठीक है, अगर ये वाले research design में हम theory apply कर रहे हैं तो वो correct है कि नहीं, और वो theory का root क्या है, कहाँ से वो develop हुआ है, कौन किसने develop किया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम नाइटेंगल थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, तो नाइटेंगल थ्योरी किसने बनाया है, कौन से नाइटेंगल ने किस बेस से बनाया है, इनके अंदर में क्या होता है, पूरा डिटेल अपन को स्टडी करना है ग्राउंड थ्योरी का. क्लियर है, तो ये सब ग्राउंड थ्योरी के अंदर में आएंगे. नाउ ग्राउंड थ्योरी इश्यूज इन डाटा कलेक्शन. ठीक है, ऐसे वाले में अपन को क्या क्या मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, सेम जैसे पहले फिनोमोलॉजिकल में था, इंडिविजुअल इंटरव्यू लेना है. ठीक है, समटाइम ग्रुप भी ले सकते हैं ये वाले केसेस में. ठीक है, डॉक्यूमेंट सेल्फ रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट्स वहाँ से लेना है. इंडिविजुअल सब्जेक्ट मेनली इंडिविजुअल कोशिश करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो इन सब आप ग्रुप में भी ले सकते हैं. क्रॉस सेक्शनल, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, मॉडरेट है. इंटरव्यू नोट्स ऑडियो टेप वगैरह से ले सकते हैं, और अपना जो फीचर्स है वो इंकरेजिंग होना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं अपन को सुनना है. ठीक है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है. हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन. हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन इज अंडरटेकन टू आंसर द क्वेश्चन कंसर्निंग कॉज इफेक्ट ट्रेंड्स रिलेटेड टू द पास्ट इवेंट दैट मे शेड लाइट ऑन द प्रेजेंट बिहेवियर एंड प्रैक्टिस. हिस्टोरिकल, जैसे कि नाम से ही लग रहा है हिस्टोरिकल, द हिस्ट्री में अगर कुछ हुआ है तो उसका शेड लाइट प्रेजेंट पे पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल ए हिस्टोरिकल रिसर्च ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग इन इंडिया. ठीक है, पास्ट में नर्सिंग का जो इस तरह का जो केयर है, प्रोसीजर है, इस तरह करते हैं, तो उसका शेड लाइट अभी भी है. भले वो एडवांस हो जाता है प्रोसीजर करने का तरीका, लेकिन वो शेड लाइट अभी भी करते हैं, उतनी डिवोटेड होकर नर्सेस वो प्रोसीजर करती हैं. ठीक है, तो ये होगा हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन में. क्लियर है, समझ में आया सबको. एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च इज़ ए फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च दैट ट्राइज टू एम्पावर पीपल through a process to construct the use of the knowledge. It's try to find the practical solution to problem exist in the framework of the organization. ठीक है, action research nursing के research में भी कर सकते हैं हम. ठीक है, ये applied research है जिसको live हम करते हैं. ठीक है, for example पहले जो normal जो thermometer से किया जाता था check, ठीक है, टेम्परेचर, लेकिन आजकल डिजिटल आ गया है. ठीक है, तो डिजिटल से हम कर रहे हैं. ठीक है, तो हम उसको अप्लाई किए हैं, डिजिटल थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, तो वो हम उसे अप्लाई किए हैं. ठीक है, वो तो एक्शन रिसर्च में आएगा. एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एक्शन रिसर्च इन द प्रैक्टिकेबली ऑफ द वेस्टर्न नर्सिंग प्रैक्टिस प्रोटोकॉल इन द पब्लिक इन प्राइवेट इंडियन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो वेस्टर्न जो केयर करते हैं नर्सिंग, वही चीज़ें अभी इंडिया में भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न में डिजिटल थर्मामीटर भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ अभी प्राइवेट इंडिया में भी यूज़ हो रहा है. क्लियर है, तो ये एक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो एक्शन रिसर्च में आएंगे.
नाउ नेक्स्ट लास्ट इज अ केस स्टडी. इन नर्सिंग साइंस केस स्टडी मेथोडोलॉजिकल इज यूज सिंस लॉन्ग टाइम फॉर डेप्थ स्टडी ऑन द सिंगल पेशेंट और द ग्रुप ऑफ पेशेंट टू जनरेट द नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट सफरिंग विद स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन. ठीक है, केस स्टडी जो करते हैं आप लोग करते हो, पर्टिकुलर एक केस को आप लेते हो, जब तक डिस्चार्ज ना हो उसके हर चीज़ को आप, ये पेशेंट है अगर उसको प्लेसेंट टेम्परेचर वाली केस आई है तो उसको आप देखते हो, एडमिट करते हैं, उसकी हिस्ट्री लोगे, क्या सिम्टम्स है, ठीक है, डे टू डे पर डे का आप लिखते हो, फर्स्ट डे में क्या प्रॉब्लम, सेकंड डे में क्या हुआ, लेबर के टाइम में क्या हुआ है ना, और पोस्ट नेटल पीरियड में क्या आप ऑब्जर्व किए हो, डिस्चार्ज के टाइम तक आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो केस स्टडी कहलाएगा, और आप क्या ट्रीटमेंट दिए, ठीक है, वो सारे केस स्टडी में आएगा. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हाउ नर्स एंड प्रेगनेंट वुमन मैनेज पेन ड्यूरिंग द डिलीवरी, ये भी आप डाल सकते हो. ठीक है, अगर पेशेंट एडमिट है लेबर के लिए स्टार्टिंग से लेकर डिस्चार्ज तक जो आप देखोगे, ठीक है, पेन स्टार्ट हुआ आप केयर करे, उसके बाद डिस्चार्ज किए, पेन हो रहा है तो पेन रिलीफ के लिए आप क्या कर रहे हैं, पोजिशन चेंज, वो सारे चीज़ें केस स्टडी में आएंगी. क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. थैंक यू.